होटल्स और रेस्टोरेंट में अक्सर आपने खाना सर्व करने के लिए वेटर्स को देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में एक पहला और इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसमें खाना सर्व करने के लिए आपको वेटर यानी किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ये पूरा काम होगा एक रोबोट के जरिए। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट के जरिए आपको खाना सर्व किया जाएगा, और ये मुमकिन हो पा रहा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के जरिए। नोएडा के 104 में स्थित द येलो हाउस नाम के रेस्टोरेंट रूबी और दीवा नाम की दो ऐसे रोबोट्स को लेकर आया है जो यहां पर लोगों के लिए तो अट्रैक्शन पॉइंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये अपने आप में ही बहुत ही यूनिक चीज है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस रेस्टोरेंट में ये रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर काम कर रहे हैं। येलो हाउस रेस्टोरेंट इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें सर्विंग का काम रोबोट्स कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, किस तकनीक पर काम हो रहा है और कितने यूनिक है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जीशु हैं, जो इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। जीशु, कितना यूनिक है ये कॉन्सेप्ट? ये बहुत ही यूनिक है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है। जैसे सर्विंग विंडो होती है, जैसे नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो एक विंडो के थ्रू आपको आदमी सर्व करते हैं, तो यहाँ पे वो रोबोट्स आपको फूड सर्व करते हैं। इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आप डिटेल में बता पाए तो? एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यहाँ पे कोडिंग्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होती हैं, तो उसके थ्रू आपको टैब के थ्रू आपको टेबल नंबर डालना होता है, उसके थ्रू आपको फूड पहुंच जाता है। ये रोबोट्स वर्क कैसे करते हैं आप बता पाए कि क्योंकि इसमें फीडिंग आप नंबर्स किस तरह से करते हैं, कोडिंग किस तरह से होती है, और साथ ही साथ ये रोबोट उसी टेबल पर कैसे जाके रुकता है जिस पर आपने उसको कमांड दिया हुआ है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। टैप के थ्रू हम जैसे टेबल नंबर, जैसे हमारी कोडिंग्स हो रखी है रोबोट्स की ऑलरेडी, जो भारत देश के इंजीनियर्स ने ऑलरेडी बनाया है, जैसे मेक इन इंडिया है सारे रोबोट्स, जो हमारे जो दोनों रोबोट्स हैं डीवा एंड रूबी, दोनों मेक इन इंडिया है। तो कोडिंग के थ्रू, जैसे मान लीजिए मेरे को एक पर्टिकुलर टेबल है तो उसका टेबल नंबर है 1, तो यहाँ टैप के थ्रू मैं टेबल नंबर 1 डालूंगा, वो रोबोट अपने आप ही उधर पहुंच जाएगा। अभी तक दिल्ली एनसीआर में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं जी, ये पहला ही है ऑलरेडी। मतलब हम, जैसे मेरी पूरी फैमिली फूडी है, तो हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते थे, तो F&B इंडस्ट्री में आने से पहले मतलब हम बहुत सारा सर्वे किया कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजीज को हमने कंसर्न किया, बट एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए। तो कोविड के बाद से हमने सोचा कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि लोग इसको आए और खाएं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि रोबोट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए? एक्चुअली पहले यहाँ आसपास कहीं था भी नहीं, और जैसे टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस में चल रही है, तो सोचा कि चलिए ऐसा ही कर लेते हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, कौन ऐसे मतलब कौन से वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसे? सबसे ज्यादा जी बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए होता है ना कि पुराने जमाने में हम कहते थे कि गुड्डा गुडियों से खेलते थे, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू गुड्डा गुडियों से खिलाना तो उनको तो अच्छा लगेगा जी। इसकी चार्जिंग की हम बात करें तो चार्जिंग कैसे होती है इसकी, कितने देर की चार्जिंग रिक्वायर्ड है? जैसे कि आजकल स्मार्ट चार्जिंग का जमाना है जी, तो 3 घंटे की चार्जिंग पे एक पर्टिकुलर एक दिन का लेबर वर्क होता है, अगर मैं एक कंपेयर करूँ एक आदमी के लेबर वर्क से। तो कोई मेंटेनेंस नहीं है जी। अच्छा, मैन पावर में कुछ कमी है इसके आने से? मैन पावर में ऐसा सच कोई कमी नहीं है, क्योंकि जस्ट ये आपको टेबल तक पहुंचाएगा खाना, टेबल के थ्रू हमारे वेटर्स ही आपको सर्व करते हैं। आगे आने वाले समय में और क्या कुछ इसमें इम्प्रोवाइजेशंस होने वाले हैं? वो एक्चुअली टीम के थ्रू ही हमारा चलता है, जो इंजीनियर्स करते हैं, बाकी अपग्रेड होता ही रहता है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी है तो स्काई इज द लिमिट होंगी। लेकिन इसमें क्या आगे ऐसा कुछ डेवलप होने वाला है कि रोबोट ही कुछ सर्व करेगा, इस तरह से आगे कुछ होगा? हाँ जी, अभी बात चल रही है, जैसे कि एक चिप होती है जिसके थ्रू जैसे आपका आईज के अंदर लगेगा, तो रोबोट खुद ही उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सा खाना है, किस टेबल का खाना है। नितिका है, एंड जैसे मेरी फ्रेंड अंजलि है, इसने मुझे इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताया दैट देयर इज अ रोबोट
यू नो रेस्टोरेंट, तो आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से आती हूँ जहाँ पे वी टॉक अबाउट ऑल द ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नाउ दिस इज द फ्यूचर, यही तो हमने आगे करना है. वी डोंट वॉन्ट वेटर्स, वी वॉन्ट रोबोट सर्विंग अस. एंड यू नो इट विल रियली इम्प्रूव, हमारा टाइम कम हो जाएगा सर्विस का. एंड दो ऑफ कोर्स वी विल बी मिसिंग दैट ह्यूमन पार्ट, ह्यूमन टच ऑफ दैट सर्विस, बट देन या इट्स रियली नाइस कॉन्सेप्ट ओवरऑल, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा. इट्स वेरी लाइक यू नो आई कैन सी पीपल काफी खुश हैं यहाँ पर, और ये रोबोट का जो उन्होंने बनाया है काफी अच्छा है. एक्साइटेड.